एशिया व्यापार न्यूज चैनल, मैं आपके साथ माधुरी कश्यप। शुरू करते हैं बड़ी खबर के साथ। जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं अब भारत ने अपने लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाना शुरू भी कर दिया है। तो कई देशों को भारत कोरोना की वैक्सीन यानी कि भारत अपने पड़ोसी मित्रों को वैक्सीन भेजने शुरू भी कर चुका है। ये नया भारत है, तभी तो अपने पड़ोसी मित्रों को भारत फ्री में कोरोना की वैक्सीन भेज रहा है। संकट का साथी भारत कोरोना काल में भी अपने पड़ोसी देशों की मदद करने से पीछे नहीं रहा है। भारत ने अपने पड़ोसी मित्रों में भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार को कोरोना की वैक्सीन की आपूर्ति भी शुरू कर दी है। यहाँ हम आपको बता दें तो आप जिसे सुनने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि भारत की तरफ से सबसे पहले भूटान को गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन कोविडशील्ड की 1,05,000 डोज भेजी गई हैं। संकट के समय में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए बड़ा दिल दिखाया है और जिसके तहत पड़ोसी देशों को वैक्सीन की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। बता दें कि भूटान के अलावा अन्य पड़ोसी देशों को भी इसी तरह अलग अलग समय पर भारत वैक्सीन उपलब्ध कराने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार को पड़ोसी और प्रमुख भागीदारी देशों से भारत निर्मित टीकों की आपूर्ति के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों के जवाब में आपूर्ति सुनिश्चित करने का फैसला लिया जाएगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस के संबंध में आवश्यक नियामक मंजूरी की प्रतीक्षा है। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल जैसी महामारी की जंग में भी भारत शुरुआत से ही आगे रहा। भारत इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विशेष रूप से अपने पड़ोसी देशों के लिए कर्तव्य के रूप में देखता है। दुनिया भर के तमाम देश भारत में बन रही वैक्सीन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को छोड़कर ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भारत वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। तो वहीं पाकिस्तान वैक्सीन बनाने की तरफ से अपनी जनता के आगे हाथ खड़े कर चुका है। अब पाकिस्तान चीन के आगे हाथ फैलाए बैठा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कतई न भूलें। नमस्कार।